हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीबीपीएन ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, यूनिट 6 जो कंटिन्यू चल रही है, एंड प्रीवियस वीडियो में हमने एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें कट कॉपी पेस्ट अंडू रीडू इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट आप बनाते हो उसको सेव करना, प्रिंट करना, ओपन करना, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना, ये सब कैसे होता है ये हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हो तो जो आपके सामने एक लिस्ट ओपन है, तो ये कैसे होगी जब आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है ना। सबसे पहले हम सीखते हैं क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, कि आपको न्यू डॉक्यूमेंट लाना है तब आप कैसे लाओगे, है ना। तो फर्स्टली आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड विंडो में ऊपरी ऊपर फाइल लिखी हुई रहती है, फाइल नाम आता है ना, तो जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ओपन होगी, नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट मेनू आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ऊपरी ऊपर लिखा हुआ है न्यू, NEW न्यू, तो आप इस पर जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, मीन्स न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो ये समझ गए आप, आपको क्या करना है, फाइल बटन पे क्लिक करना है और फिर इसका ये बैक स्टेज व्यू आ गया फाइल पे क्लिक करते ही। एंड इसमें ऑप्शन बहुत सारे आते हैं, बट अपन को क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट बना, न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, न्यू पेज चाहिए, तब अपन न्यू पे क्लिक करेंगे, तब क्या आएगा, नया पेज आ जाएगा, ओके। फिर है सेविंग अ डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेविंग अ डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने आपको बताया अपन को क्या करना है, केवल फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद ये आपके सामने ओपन हुई है, इसके अंदर न्यू है, ओपन है, इसके थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपको सेव का, जो फाइल आपने बनाई है आपको उसको सेव करनी है, तो आप सेव पे क्लिक करोगे तब आपकी फ़ाइल जो है, फिर आपसे नाम मांगेगा कि आप इस फाइल को क्या नाम देना चाहते हो, तो वो नाम टाइप करके आप एंड में सेव पे प्रेस करोगे तब ये फाइल क्या होगी, सेव हो जाएगी आपकी, समझ गए। सारी चीज़ें किसके अंदर होती है, फाइल में होती है। फिर नेक्स्ट है क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, कि आपको डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, तो या तो आप डायरेक्ट क्लोज करो या फिर क्या करना है, फाइल पे जाके आप नीचे देख रहे हो तो न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट, शेयर एंड लास्ट में एक्सपोर्ट, फिर अ क्लोज। तो स्टूडेंट्स, क्लोज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो क्लोज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तब ये जो फाइल, जो डॉक्यूमेंट है आपका, वो क्लोज हो जाएगा, ओके। अब अपना लास्ट टॉपिक रह गया है प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, कि जो डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर तैयार किया है आप उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, प्रिंट बाहर निकालना चाहते हो, कि आपने इतना सारा टाइप किया है, जो भी आपने शीट बनाई है, कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाया है, आप चाहते हो कि इसका प्रिंट आउट मुझे मिले, तब आपको क्या करना है, या तो शॉर्टकट की यूज़ में लो या फिर फाइल में जाके इसमें देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, और सेवेज के नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट। सो नाउ क्लिक ऑन द प्रिंट बटन, आप जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करोगे तो फिर वो क्या होगा, उसका प्रिंट आउट बाहर आएगा। तो ये है आपके कुछ पॉइंट्स जो आपके बुक में दिए हुए हैं। अब अपन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे शॉर्टकट कीज दी हुई है जो अपन को ये डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, अपन को बार बार फाइल पे जान के उसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपन को ये शॉर्टकट की लर्न करनी है ताकि कीबोर्ड से ही अपना काम हो जाए, अपन को माउस को ज़्यादा यूज़ में ना लेना पड़े, है ना, तो कीबोर्ड से ही अपने ये सारे काम हो जाए। तो ये शॉर्टकट की आपको अच्छे से लर्न करनी है और इनको नोटबुक में भी लिखना है। फर्स्टली आप यहाँ पे देख रहे हो तो लिखा हुआ द शॉर्ट कमांड्स दैट आर यूज्ड इन वर्ड आर, फर्स्टली आप देख रहे हो तो टू ओपन अ न्यू फाइल। अब अपन ने अभी तो ये देखा था कि एमएस वर्ड विंडो में फाइल पे जाओ, फिर न्यू पे जाओ, तब जाके नया डॉक्यूमेंट आएगा, या फिर आपको न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए आप शॉर्टकट की यूज़ में लीजिए, कंट्रोल के साथ एंड प्रेस कीजिए, कंट्रोल दबाइए एक फिंगर से, एक फिंगर से आपको क्या करना है, एंड प्रेस करना है, तो कंट्रोल प्लस एंड जैसे ही आप दबाओगे तो आपके सामने न्यू फाइल आ जाएगी। तो ये शॉर्टकट तरीका है ना। फिर है टू ओपन अ सेव्ड फाइल, कि आपने जो फाइल सेव की है आप उसको देखना चाहते हो, है ना, तब आपको क्या करना है, कौन सी की प्रेस करनी है, कंट्रोल के साथ प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ, जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके सामने जो सेव की हुई है फाइल है वो वापस ओपन हो जाएगी, ठीक है। थर्ड है टू सेव अ फाइल, किसी भी फाइल को सेव करना, तो कंट्रोल प्लस एस, जैसे आप कुछ डॉक्यूमेंट है टाइप किए जा रहे हो तो आपको उसको सेव भी करना, तो पहले कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर दो ताकि वो फाइल आपकी सेव हो जाए, या फिर फाइल में जाओ फिर फाइल में सेव पे क्लिक करो, तो थोड़ी लंबी प्रोसेसिंग हो जाती है, तो आपको शॉर्टकट की लर्न करनी है। तो सेव फाइल में क्या होगा, कंट्रोल प्लस एस,
अब आपको फाइल क्लोज करनी है या फिर कंप्यूटर बंद करना है तो Alt प्लस F4, तो वो क्लोज हो जाता है। फिर है प्रिंट, प्रिंट निकालने के लिए टू प्रिंट अ फाइल तो कंट्रोल प्लस V, तो कंट्रोल क्या होती है, एक शॉर्टकट की होती है जिसके साथ आप ये सारे कर सकते हो। तो ये है एरिया होता है एक कंट्रोल प्लस C, फाइल को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V, है ना। तो ये सारी मैंने आपको बताई है, और कट करने के लिए कंट्रोल प्लस X, ओके। अब आपके एक एक्टिविटी दी हुई है आपको पेज नंबर 71 पे बुक में, तो एक टास्क है और कीबोर्ड शॉर्टकट की है, तो आपको टास्क लिखना है और कीबोर्ड शॉर्टकट की कुछ हिंट्स आपको दिए हुए हैं, तो ये आप अच्छे से कर पाओगे और इसको 71 वाली एक्टिविटी को आप अच्छे से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।